एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की आशंकाओं को लेकर यूपी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद सतर्कता बढ़ गई है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी परियोजना आगरा डिवीजन के अंदर आने वाली चारों सेंचुरीज पर गश्त शुरू हो गई। परिंदों पर नजर रखने के लिए दूरबीन का भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि राजस्थान में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। आगरा में पक्षियों का राजस्थान आना जाना भी लगा रहता है, इसको लेकर भी अलर्ट रहना यहां पर आवश्यक है। तो यूपी में अलर्ट बर्ड फ्लू के मद्देनजर। तो बर्ड फ्लू को लेकर यह अलर्ट है। दरअसल केरल में हजारों पक्षियों को मारा भी गया है। हजारों पक्षियों में चूंकि बर्ड फ्लू मिला, उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, वहां पर पक्षियां मरे हैं। राजस्थान में कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिली, गुजरात में देखने को मिली। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में इस तरह के केसेस नहीं आए, लेकिन उससे पहले जो महकमा है वो उसने अपने आप को तैयार किया हुआ है। गश्त की जा रही है, दूरबीन से नजर रखी जा रही है। ठीक है, अब हम अपने सहयोगियों से जानेंगे कि किस तरह का अलर्ट है, इसका मतलब क्या है। आप अलर्ट जो उत्तर प्रदेश में हुआ है आगरा, उसके चूंकि उस तरह का एक क्षेत्र है जहां पर प्रवासी पक्षी या दूसरे राज्यों से आए, प्रभावित राज्यों से आए पक्षी आते हैं, नितिन, तो क्या दिख रहा है आपको, इस अलर्ट का मतलब क्या देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल, देखिए कोरोना से अभी खतरा पूरी तरह से अभी बरकरार है, तो वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू जो बेजुबान पक्षियों से जो वायरस है एवियन इन्फ्लुएंजा, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा लगातार बना हुआ है। क्योंकि आगरा एक ऐसी जगह है जिससे मध्य प्रदेश बॉर्डर भी लगता है, जिससे आपका राजस्थान बॉर्डर भी लगता है, और जिस तरह से राजस्थान में बड़े स्तर पर जयपुर से लेकर कई सारे ज़िलों में पक्षियों की बड़े स्तर पर मौत हुई है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश हो, फिर चाहे आपका हरियाणा हो, और इसके साथ ही अगर साउथ की बात की जाए तो केरल में जिस तरीके से बड़े स्तर पर बर्ड फ्लू फैला हुआ है, तो ऐसे में आगरा में भी वो पूरी तरह से अलर्ट है। राष्ट्रीय पक्षी परियोजना के तहत जो आगरा डिवीज़न है उसकी जो तमाम बर्ड सेंचुरी हैं, चाहे कीटा पक्षी विहार हो या चंबल सेंचुरी हो, इसके साथ ही जो एटा का पटना पक्षी विहार हो, यहाँ लगातार अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, लगातार निगरानी बढ़ा दी गई है, दूरबीन से भी नज़र रखी जा रही है। और इसका असर यह है कि पोल्ट्री फार्म में लगातार जो किसान मुर्गा उत्पादन करते हैं, जो तमाम वहाँ भी थोक में जो चिकन का जो बिक्री है वो भी उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। कुल मिला के प्रशासन का कहना है कि हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, गांव वालों को भी हम पूरी तरह से बता रहे हैं कि अगर किसी भी पक्षी का मुंह टेढ़ा हो रहा है, कहीं वो बेहोश पड़ा हुआ है या कि उसका तो और अन्य जो सिम्टम्स हैं तो तुरंत उनको अवगत कराएं। चूँकि आगरा में कीटम पक्षी विहार है, चंबल सेंचुरी है, यहाँ बहुत बड़े स्तर पर प्रवासी पक्षी बिल्कुल जो जयपुर से आते हैं और बिल्कुल आगरा से 55 किलोमीटर दूर पर जो भरतपुर जो राजस्थान का जिला है वहाँ घना पक्षी विहार है, और ऐसे में वहाँ चंबा जो जयपुर से और भरतपुर से तमाम पक्षी इधर, खासकर फ्लेमिंगो नाम की जो प्रजाति का पक्षी है वो आ रहा है, उसमें बड़े स्तर पर बर्ड फ्लू पाया गया है। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा का में जो वन विभाग है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो पक्षी विहार परियोजना से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं, क्योंकि लगातार बड़े स्तर पर ये चाहे वो मुर्गी हो, चाहे मुर्गा हो या पक्षी हो, उनमें बड़े स्तर पर ये फ्लू फैल रहा है। बहुत धन्यवाद आप कर रहे थे। ठीक है, सारे अधिकारी अलर्ट पर हैं और जो बर्ड सेंचुरीज हैं जहां पर ऐसे पक्षियों का प्रवास रहता है उन पर खास नजर रखी, बिल्कुल अलर्ट रहना भी चाहिए। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।